नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। त्रिपुरा में हिंसा और राजनीतिक बवाल के बीच गुरुवार को नगर निकाय चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में हिंसा के दौर से गुजर रहे त्रिपुरा में चुनाव में कोई अड़चन न आए, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बड़ा आदेश दिया है। त्रिपुरा में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 2 कंपनियों को जल्द से जल्द त्रिपुरा भेजा जाए। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बाबत तुरंत कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनावों में CCTV की अनुपस्थिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेरोक टोक चुनाव की कवरेज करने की इजाजत देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग और अधिकारी इस आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वहां तुरंत केंद्रीय सुरक्षा बल भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी व्यवधान के वोटिंग सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने DGP, IGP और MHA को लगातार हालात की समीक्षा करने को भी कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ TMC समेत राज्य में विपक्षी पार्टी CPIM ने वोटिंग के दौरान धांधली का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ BJP के कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर बैठकर घूम रहे हैं और उनके उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं। CPIM और तृणमूल कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि यहाँ पोलिंग बूथ में हर वोटर को जाने भी नहीं दिया जा रहा, उन्हें बाहर रोका जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि गैंग में घूम रहे कुछ लोग जो अपना चेहरा मास्क और हेलमेट से पहनकर घूम रहे हैं, वो लोगों के दरवाजे तक जाकर उन्हें पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए नहीं जाने देने की धमकी दे रहे हैं। TMC के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया गया है। इस वीडियो में काला जैकेट पहने हुए एक आदमी को बूथ के अंदर देखा जा सकता है। पार्टी का आरोप है कि ये शख्स जबरदस्ती बूथ में घुसकर दूसरों के नाम पर बटन दबा रहा था। बता दें कि त्रिपुरा में 13 निकायों के 655 बूथों में आज वोटिंग हो रही है। कुल 20 नगर निकायों में चुनाव होने थे, बाकी 7 में BJP की पहले ही निर्विरोध जीत हो चुकी है। सबसे ज्यादा निगाहें अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लड़ाई पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Thank you.